हजारीबाग से एक बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ। सीबीआई की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें आपको, सूत्रों के मुताबिक हजारीबाग से गिरफ्तार आरोपी राजू ने नीट का पेपर चोरी करने में दूसरे आरोपी को सहयोग किया था। पंकज और अजय पर पेपर चोरी करने का आरोप है। सभी आरोपियों से अब सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो राजू ने पेपर चोरी में साथ दिया, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। अब देखिए, पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक्शन लिया है। सीबीआई की जांच पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि आपको बता दें, आरोपी राजू ने पेपर चोरी में मदद की थी पंकज और अजय की, और पंकज और अजय पर पेपर चोरी का आरोप लगा है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे 2025 के विधानसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन 4 सीटों के नतीजों को 2025 के चुनाव में वोटर के मिजाज के ट्रायल के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर उपचुनाव के लिए एनडीए और गठबंधन की अभी क्या तैयारी है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर अब सबकी नजर बनी हुई है, पर उससे पहले बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जातीय समीकरण के साथ ही ग्राउंड पर वोटर्स के मिजाज को भांपने में जुट गई है। तो महागठबंधन के नेता पिछले चुनाव से सबक लेते हुए नई रणनीति बनाने में जुटे हैं। सियासी रणनीति पर बात करें, उससे पहले जानिए किन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी सीट पर उपचुनाव। बेलागंज से सुरेंद्र यादव के सांसद बनने से खाली हुई सीट। इमामगंज से जीतनराम मांझी के सांसद बनने से खाली हुई सीट। रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह सांसद बन गए। तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद भी सांसद बने। 4 सीट की चुनावी जंग के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी में सीटों का बंटवारा भी तय हो गया है। बीजेपी 2 सीट पर, जेडीयू 1 सीट पर और हमने 1 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। बीजेपी सभी 4 सीट पर जीत के दावे कर रही है। 4 उपचुनाव में एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत से बिहार में जीतेगा, और वो भाजपा को आईना दिखाना चाहते हैं। अरे अपना हाल देखिए, तीसरा नंबर की पार्टी रहे हैं बिहार में। अब दावा कर रहे हैं कि बिहार में 4 जगहों पर जो विधानसभा के उपचुनाव होंगे वहां इनके प्रत्याशी जीतेंगे। ये लोग मुगालते में हैं। फिर नतीजे उसी दिशा में होंगे, हर जगह इनके प्रत्याशियों की बुरी हार। आने वाले उपचुनाव में भी उनका वही हश्र होगा जो 2010 के चुनाव में हुआ था, और आने वाले 25 के चुनाव में भी उनका वही हश्र होना है। नील बटा सन्नाटा होंगे। 10-20 सीटें आ जाए 25 में तो हम नहीं कर सकते, इस उपचुनाव में तो जीरो रहने वाले। बीजेपी चाहे जो भी तैयारी कर रही हो, आरजेडी की ओर से खुद 3 सीट जबकि माले को 1 सीट तरारी पर लड़ाने की प्लानिंग चल रही है। वैसे हाल ही में रुपौली में हुए उपचुनाव के नतीजों ने भी आरजेडी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, और उसमें राष्ट्रीय जनता दल, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, अपने संकल्पों के साथ सभी एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जो 4 विधानसभा उपचुनाव है उसमें 3 पर राष्ट्रीय जनता दल और 1 पर माले चुनाव मैदान में रहेगा। जाहिर है रुपौली के झटके से अभी दोनों ही गठबंधन उभरी नहीं है, पर 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अभी से ही दोनों खेमे की ओर से नई रणनीति बनाई जा रही है। पटना से रवीश नारायण की रिपोर्ट।